Hi, good morning all of you. Today we are going to read about some important topic. Dear student, we have already discussed about the various topics in our previous video, like some Prayag Prashasti, Sudarshan Lake, Oli Gherki, Ganaj, Srinis, Janpad, Ghapati, etc. But in this class, we will read about land grants, property rights, and trade and transportation in ancient India. Except it, if we have time, we will discuss about that limitation of inscription, important of the inscriptions. So let us start this class. Property rights. As we know, the Dharm Shastra and Dharm Smriti, that was our rule book, law book, which was written in 2nd century BC to 4th century AD, a long period. It was compiled. Dharm Shastra and Dharm Smriti. We agar naam le hum, Manu Smriti, Brihaspati Smriti, Narad Smriti, Parasar Smriti, Yagvalk Smriti, Dai Bhag, Mitakshara, is tarah ki tamam samajik नियमों की किताबें लिखी गई, जिसमें समाज के नियम, व्यक्ति के नियम, परिवार के नियम, पिता के अधिकार, पुत्र के अधिकार, पत्नी के अधिकार, माता के अधिकार के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। राजा का कर्तव्य, टैक्सों के प्रकार, व्यापारियों के वर्ग, इन सभी चीजों पे विस्तार से बताया गया। धर्मशास्त्र और धर्मस्मृति एक सुर में एक बात कहते हैं कि प्रॉपर्टी राइट्स प्राचीन भारत में एक क्षत्राधिकार पुरुषों का था। इट मींस एज वी डिस्कस अबाउट, एज वी माइनोरिटली ऑब्जर्व अबाउट द प्रॉपर्टी, द मैन है The men have that right. Women have no right. Exceptional some cases. महिलाओं को अधिकार नहीं थे। महिलाओं को कुछ जैसे पिता और भाई के द्वारा दी गई प्रॉपर्टी को कुछ अपने तरीके से उपयोग करने का अधिकार था। महिलाएं पति की मृत्यु के पश्चात उसके संपत्ति में अधिकार प्राप्त कर सकती थी, लेकिन वो अधिकार समाज में उसके पति जितना नहीं था। मेरे कहने का मतलब तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि महिलाओं को प्रॉपर्टी में राइट्स लिमिट थे, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस हमारे पास हैं। वी हैव सीन द सम एक्सेप्शनल केसेस। वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द गुप्ताज हिस्ट्री, in which I have already taught you about Chandragupta Dwitiya and their daughter Prabhavati Gupta. Prabhavati Gupta was get married with Vakatak Prince Rudrasen Dwitiya. As I informed you, in the very short time, her husband was died. He became the trustee of their property. अपने पुत्रों की संरक्षिका बनी वो, संपत्ति के अधिकारों को उपभोग किया उसने एक महारानी के रूप में और जमीन दान में दिया। उसका उल्लेख है प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र, जिसमें जमीन दान करने का उल्लेख है। इनमें महिलाओं को अधिकार था, कुछ अधिकार जो अपने मन से
स्वेच्छा से संपत्ति दान कर सकती थी, धन का उपयोग कर सकती थी, लेकिन पति की मृत्यु के पश्चात यहां आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो चुकी थी, वाकाटक प्रिंस और वो एक संरक्षिका के रूप में कार्य कर रहे थे। पुरुषों का संपत्ति पे एकाधिकार था, पुरुषों के न रहने पे महिलाएं इस संपत्ति का कुछ हद तक प्रयोग कर सकती थी। लैंड ग्रांट्स की बात करें तो अग्रहार ग्राम एक प्रकार का लैंड डोनेशन ही था। अग्रहार विलेज दैट वाज गिवन बाय किंग सामंत इंपरर टू ब्राह्मण्स। द अग्रहार ग्राम वाज टैक्स फ्री विलेज। अग्रहार ग्राम ब्राह्मणों को उनकी सेवाओं के बदले दान दी जाने वाली भूमि थी, गांव था, जिस पर टैक्स इंपोज नहीं होता था, राज्य उस पर कर नहीं लगाता था। हमें एक सूचना और मिलती है अक्षय निवी की। अक्षय निवी ट्रस्टीशिप सिद्धांत पे काम करता था। अक्षय निवी जमीन के रूप में अक्षय निवी का पहला एविडेंस हमें सातवाहन पीरियड में मिलता है, और पैसे के रूप में अक्षय निवी का पहला एविडेंस हमें कुषाण पीरियड में दिखाई देता है। ये अक्षय निवी क्या है? अक्षय निवी इट मीन्स ऐसी निवी, ऐसा खजाना, ऐसा धन जो क्षय न हो, खत्म न हो, बना रहे। इट मीन्स जब श्रेणियों का संगठन होता था तो सारे ग्रुप के लोग कुछ पैसे एकत्रित करके बैंक के रूप में इसको रखते थे, बैंक के रूप में कार्य करती थी। कोई भी जिसके जो नया व्यापार शुरू करना चाहे वो इस पैसे से 3/4 ब्याज देकर के पैसा ले सकता था और अपना व्यापार शुरू कर सकता था। बाद में ब्याज देकर के ये अच्छे निवी को एज इट इज बने रहने देना चाहता था। ये थी अच्छे निवी। लैंड गार्ड संपर्क चुके हैं, विमेन्स और मेन्स प्रॉपर्टी राइट से बात कर ली हमने। अब हम सेकेंड टॉपिक पर बात करेंगे। सेकेंड टॉपिक, मैंने जैसा आपसे कहा कि ट्रेड, प्राचीन भारत में व्यापार एक समृद्ध व्यवस्था रही। इट वॉज द प्रॉस्परस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया। वी हैव सीन फ्रॉम 6th century BC टू 6th century AD द ट्रेड वॉज वाइड स्प्रेड इन द नॉट ओनली लिमिटेड बाउंड्री बट इट वॉज स्ट्रेचेज इन द वर्ल्ड वाइड लेवल। दूर दराज के क्षेत्रों में विदेशों तक व्यापार होते थे। सी रूट, लैंड रूट, रिवर रूट की पूरी व्यवस्था थी। प्राचीन भारतीय साहित्यों में चतुष्पथों का उल्लेख है, इट मीन्स चौराहों का उल्लेख है, ग्रैंड पथ का उल्लेख है, जिसकी सुरक्षा राजा द्वारा की जाती थी। जातक ग्रंथों में श्रेणियों का उल्लेख है, 18 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है। मिलिंद पढ़ो में 36 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके अलावा और भी ग्रंथों में व्यवसाय की वृद्धि का पर्याप्त उल्लेख हमें दिखाई देता है। ये ग्रुप जो व्यापारियों का ग्रुप, जिसे सार्थवा व्यापारियों का अगुआ था, जो व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, का उल्लेख हमें मिलता है। श्रेणियों का उल्लेख जिसपे हमने चर्चा कर चुकी है आपके पुरानी क्लास में, व्यापारियों का ग्रुप, व्यापारी पर्टिकुलर वर्क, पर्टिकुलर एक काम करने वाले लोगों का ग्रुप, श्रेणी और श्रेणियों का मुखिया श्रेष्ठिन कहलाता था। तमलकम इंस्क्रिप्शन में भी इसके बारे में सूचना मिलती है, जहां पे हमें मसथुवन, चार्थवा जैसे सब मिलते हैं। खेती का पर्याप्त उल्लेख है, वेललार,
किसान, उलवर, हलवाहा जैसे शब्द इस बात का उल्लेख करते हैं कि सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था, व्यापार उन्नत अवस्था में थी, विभिन्न राजवंशों ने व्यापार को प्रश्रय दिया, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन के डेवलपमेंट के लिए काम किया। कुशाणा पीरियड में एक महत्वपूर्ण पथ की बात की गई है, चिनांसुक मार्ग, कॉटन रूट, इट वॉज ऑल्सो अगेन स्टेब्लिश बाय चाइना द सिल्क रूट। सिल्क रूट के माध्यम से भारतीय व्यापारी चीन से रेशम का व्यापार करते थे और रोम की तरफ भेजते थे, भारत बिचौलिए के रूप में काम करता था। सिल्क रूट के माध्यम से लोग यूरोप तक जुड़े हुए थे, दक्षिण एशिया तक व्यापार हमारा समुद्र के द्वारा होता था, रोम से व्यापार, अब दक्षिण अफ्रीका से व्यापार, ओमान, दिलमून, मेरुहा, माकन का उल्लेख हमें इंडस इंस्क्रिप्शन से प्राप्त मिलता है। दूर दराज के क्षेत्रों से व्यापार की पर्याप्त सूचना हमें इस पीरियड में दिखाई देता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में 24 पोर्ट की बात की गई है और कहा गया भारत में 300 पोर्ट्स, 24 मेजर पोर्ट थे और 300 से ज्यादा बंदरगाहों का उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में एक अज्ञात लेखक करता है। इस बातों से सूचना मिलती है कि भारत में इतने सारे बंदरगाह थे, निश्चित रूप से विदेशी व्यापार अत्यंत समृद्ध रहा होगा। सातवाहन पीरियड, गुप्ता पीरियड, मौर्यन पीरियड, इवन कुशाना जालसो अपने व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। इनका व्यापार अत्यंत ही उन्नत अवस्था में दिखाई देता है। हमें सुपारक, भृगुकक्ष, बैरीगाजा, बारबेरिकम, पोडुके, ताम्रलिप्ति, पुहार, कावेरी पत्नम जैसे तमाम पोर्ट के नाम हमें इंस्क्रिप्शंस में दिखाई देते हैं, मिलते हैं। इस बात, इन सब के प्रमाण के आधार पर हम कह सकते हैं कि ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन अत्यंत ही डेवलप अवस्था में हमें दिखाई देती है। आपको यहां इस टॉपिक में कुछ बिंदुओं को ध्यान देना है, जैसे पहला, व्यापार कहां कहां से होता था, फॉरेन ट्रेड एंड इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, बोथ यू हैव टू फोकस, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, कौन करते थे, कौन लोग थे व्यापारियों का मुखिया, सार्थवा, श्रेणियों का इसमें योगदान। थर्ड पॉइंट, रूट्स, सी रूट, ट्रेड रूट, रिवर रूट, प्रोटेक्शन, द किंग वॉज प्रोटेक्ट द ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन बिकॉज इट वॉज द वेरी गुड अर्निंग मीडियम, आय का प्रमुख स्रोत के रूप में ये इसकी सुरक्षा की जाती थी। और फिर आपको इसके बारे में कुछ उल्लेख करना है, कुछ पोर्ट के बारे में बात करना है, कौन कौन पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में वर्णित 24 बड़े और 300 से ज्यादा बंदरगाहों का उल्लेख जो इस बात का सूचना देता है कि व्यापार अत्यंत उन्नत अवस्था में था। सिल्क रूट का उल्लेख चाइना से सिल्क, कॉटन, सिल्क इंडस्ट्री डेवलप फॉर्म में थी और कुछ शहरों के नाम जो अपने वस्तुओं के लिए फेमस थे, जैसे कॉटन के लिए वाराणसी, मलमल के लिए बंगाल, जैसे अपने लोहे के हथियारों के लिए अवंती, इस तरह के तमाम सारे शहरों की चर्चा आप कर सकते हैं। रोम के व्यापार के साथ जो उल्लेख मिलता है, सुन मुद्राएं, क्वाइंस, पंचमार्ग और फिर मौर्यन क्वाइंस और उसकी उन्नत अवस्था कुशाणों के समय दिखती है। यहां पे कुशाणों की सोने की मुद्राएं रोमन अगस्टस की डिनेरियस की मुद्राओं के समतुल्य थे। 124 ग्रेन सिमिलरली डिनेरियस एंड 124 ग्रेन कुशानास क्वाइंस, ये भी व्यापार में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए कुशाणों ने रखा होगा। बाद में गुप्तों ने भी इस परंपरा को कायम रखी। इस प्रकार व्यापार की उन्नत दशा प्राचीन भारत में भी दिखाई देती। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे
limitation of inscription, important of the inscriptions इन बिंदुओं पे, और ये आपके इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक होगा. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. बी केयरफुल. गुड बाय.